वेलकम टू ऑटो शिफ्ट्स। आज हम खड़े हैं जापानीज सेडान के सामने जिसका नाम है होंडा सिटी। ये आप इसका फिफ्थ जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं। होंडा साइमल्टेनियसली फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वेरिएंट को साथ में ही सेल कर रही है। अभी फिफ्थ जनरेशन लास्ट ईयर ही लॉन्च करा गया था। फोर्थ जनरेशन जो था वो 2017 से 2020 तक रखा गया था। प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसका एक्स शोरूम बेस मॉडल का प्राइस है 11,16,000 और टॉप मॉडल का प्राइस है 15,11,000। तीन वेरिएंट्स में फिफ्थ जनरेशन को सेल करा जा रहा है जो है वी एक्स और जेड एक्स। ये आप इसका वी वेरिएंट देख रहे हैं, बेस वेरिएंट। बाकी फोर्थ जनरेशन की बात की जाए तो उसकी प्राइस रेंज है 9,29,000 से 9,99,000। दो ही आपको वेरियंट मिलते हैं, बेस वेरियंट SV मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल और वी वेरियंट मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल। उसके अलावा और कोई और पावर ट्रेन नहीं मिलती है और ना ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको फोर जनरेशन में मिलता है। बाकी टॉप सेलिंग की बात की जाए तो फोर जनरेशन की टॉप सेलिंग है SV वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन, टॉप सेलिंग रखी गई है। और फिफ्थ जनरेशन में टॉप सेलिंग की बात की जाए तो इसमें आपको VX CVT वेरिएंट पेट्रोल में और ZX मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट डीजल पावर ट्रेन में, यही दोनों आपकी टॉप सेलिंग रखी गई है। बाकी अगस्त में ऑफर्स की बात की जाए तो आपको फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन दोनों लॉयल्टी बोनस 5,000, एक्सचेंज बोनस 9,000 और कॉरपोरेट बोनस 8,000 आपको मिलता है। कलर ऑप्शन में आपको रेड, वाइट, सिल्वर, ब्राउन और स्टील मेटालिक कलर मिलते हैं। वाइट में आपको पील वाइट मिलता है। और यह है इसके फ्रंट वाइपर्स, मैनुअल वाइपर्स है इसमें। और यह है शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर के साथ। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो ज्यादा चेंजेस नहीं करे गए। फ्रंट ग्रिल और बैक में थोड़ा सा चेंज करा गया है। और यह है इसके LED DRL और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंडिकेटर लाइट्स के साथ। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, ये बल्ब मिलता है आपको इसमें फॉग लैंप में। और यह इसकी फ्रंट क्रोम ग्रिल, नीचे एयर डैम मिल जाता है। बाकी सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें कन्वेंशनल मैकपर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग और रेयर की बात की जाए तो टॉर्जन बीम एक्सल सस्पेंशन मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ। ब्रेकिंग में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक मिलती है। डायमेंशन दोनों की सेम रखी गई है फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की। और यह है इसके 15 इंच के मल्टी स्क्रू अलॉय व्हील्स। 16 इंच का भी ऑप्शन मिलता है आपको टॉप वेरिएंट ZX में और VX में। डिस्क ब्रेक, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर्ड फोल्डेबल साइड मिरर्स इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ। चलिए इसे ऑन करके दिखा देते हैं आपको, ये अनलॉक कर लेते हैं, इंडिकेटर लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे मिल जाते हैं अभी को इंडिकेटर लाइट्स जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। ये आपको बॉडी कलर डोर हैंडल और स्मार्ट कीलेस एक्सेस आपको मिल जाता है इसमें। साइड से कुछ ऐसी दिखती है आपको होंडा सिटी वी। बेस वेरिएंट में भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। प्राइस रेंज भी उसी हिसाब से इसकी रखी गई है। और ये है इसके LED टेल लाइट्स रैप अराउंड इंडिकेटर लाइट्स और रिवर्स लाइट्स के साथ।
सिटी की बैजिंग, नीचे रिफ्लेक्टर, बैक सेंसर्स, टोटल आपको 4 बैक सेंसर मिल जाते हैं। और ये आईवी टैग वी की बैजिंग, आईवी टैग मीन्स पेट्रोल, और आईडी टैग आपको डीजल वेरिएंट भी मिलता है। होंडा का लोगो सर। और ये बैक कैमरा, चलिए इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं। बूट ओपन के लिए कुछ ऐसी मिल जाती है आपको, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है आपको इसमें, टोटल 506 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। और ये एक लाइट, ये टूल किट मिल जाती है आपको स्पेयर व्हील चेंज करने के लिए, इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाती है 15 इंच, इसमें आपको अलॉयज नहीं मिलते हैं। ये थोड़ी सी और टूल किट्स, देखने में काफी शानदार लगती है होंडा सिटी 5th जनरेशन। आइए इसका पैसेंजर डोर ओपन करके देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। कुछ ऐसा मिल जाता है आपको स्टाइलिश पैसेंजर डोर, जिसमें आपको बेसिक बीच कलर मिल जाता है और एक ब्लैक कलर मिल जाता है। पर लॉक अनलॉक के लिए क्रोम मिल जाता है आपको हैंडल्स पे, पावर विंडो, ये सभी फैब्रिक का मिलता है आपको, नीचे एक बॉटल होल्डर, टोटल आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं इसमें। और कुछ पीछे के बैक सीट्स आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाती है, ये काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। पीछे डिफॉगर मिल जाता है आपको, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये अंदर बैठ के देख लेते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्पेसिंग मिल जाती है आपको, कंफर्टेबल सीट्स हैं। पीछे ये रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, पीछे नीचे कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको चार्जिंग के लिए। और ये हैंडरेस्ट, उसी के साथ बॉटल होल्डर, कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये ऊपर रीडिंग लाइट, पीछे ऊपर ट्रे पे आपको ISO फिक्स चाइल्ड माउंटिंग मिल जाती है दोनों तरफ। चलिए इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देख लेते हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलता है। और कुछ ऐसा मिल जाता है आपको ड्राइवर साइड डोर, जिसमें आपको सारी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, इसमें भी आपको एक बीच कलर मिल जाता है फैब्रिक में, लॉक अनलॉक के लिए क्रोम फिनिश हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल्स और साइड मिरर के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, नीचे तो एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, उसी के नीचे एक स्पीकर, और कुछ ऐसा मिल जाता है आपको इंटीरियर डैशबोर्ड फ्रंट से, बेस से टॉप तक आपको ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है और कुछ एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं सेफ्टी में और इंफोटेनमेंट्स में। ये कुछ हेडलैम्प्स के कंट्रोल हैं, ये फ्रंट एसी वेंट, नीचे बोनट ओपन करने के लिए और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, और यहाँ से भरा जाएगा पेट्रोल। चलिए अंदर बैठ के देख लेते हैं,
क्या क्या चीज़ें मिल जाती है आपको अंदर, जैसा मिल जाता है डैशबोर्ड, छोटे छोटे आपको इसमें टचेस देखने के मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक। और यहाँ से ऑन करेंगे गाड़ी को, पुश स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है आपको इसमें। और यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल टेम्परेचर, वार्निंग इंडिकेटर्स, आरपीएम, स्पीड, फ्यूल लेवल, टाइम। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। यह इसका स्टेयरिंग व्हील, इसमें भी आपको बहुत सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम का कंट्रोल, ट्रैक्स का कंट्रोल, सोर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कंट्रोल, फोन का कंट्रोल्स। सोर्स का कंट्रोल वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, बीच में आपको एक होंडा का लोगो, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है इसमें। और ये है वाइपर के कंट्रोल्स, और राइट में हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। टोटल आपको इसमें दो एयर बैग मिल जाते हैं फ्रंट में ही। आप इसे स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से आपको लीवर मिल जाता है। और ये हैंड रेस्ट, उसमें थोड़ी सी स्पेस, हैंड ब्रेक, बीच में थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। अब यह 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, आगे दो कप होल्डर, अंदर थोड़ी सी स्पेस, उसके ऊपर भी स्पेस है, ये दो USB चार्जिंग पोर्ट, ये है पावर आउटलेट, यहाँ से भी आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। उसी पे आपको मिल जाता है सिंगल जोल क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल मिलते हैं आपको इसमें, एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है आपको, यहाँ से आप AC के कंट्रोल्स कर सकते हैं। ये फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर के लिए। और उसी के ऊपर मिल जाता है आपको 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, AM/FM, आईपॉड आईफोन कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्ट, USB 2 चार्जिंग मिल जाता है आपको इसके नीचे, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, वॉइस रिकॉग्निशन मिल जाती है, डिस्प्ले के कंट्रोल्स, साउंड के कंट्रोल्स, क्लॉक कंट्रोल कर सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ से डिस्प्ले के कलर आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। ऑफ और ऑन का फीचर, ये हजार्ड लाइट्स के लिए। बीच में आपको सेंट्रल कंसोल पे पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। और राइवल्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा राइवल जो है होंडा सिटी का, वो है मारुति सुजुकी सियाज, इसमें थोड़ा सा स्पेस। स्पेसिंग और फीचर्स की बात की जाए तो मारुति सुजुकी सियाज से ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसमें बेस वेरिएंट में। ये रीडिंग लाइट्स फ्रंट में, और ये मिरर पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए। बीच में यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश। आइए इसे बंद कर लेते हैं और बॉनेट ओपन करके देखते हैं।
कैसा मिल जाता है आपको पेट्रोल इंजन इसमें। अभी बाकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात की जाए तो 5 स्टार रेटिंग मिली है होंडा सिटी को। तो कुछ ऐसा मिल जाता है आपको 1.5 लीटर का IVTEC DOHC विद VTC पेट्रोल इंजन जो कि पावर डेवलप करता है 121 PS 6600 RPM पे 145 Nm का टॉर्क 40 की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है और मैनुअल ट्रांसमिशन पे 17.8 KMPL की एवरेज मिल जाती है और CVT के साथ 18.4 KMPL की एवरेज मिलती है। बाकी डीजल इंजन की बात की जाए तो आपको मिलता है 1.5 लीटर का IDTEC डीजल इंजन जो पावर डेवलप करता है 100 PS की और 200 Nm का टॉर्क डेवलप करता है। उसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो उसमें आपको 24 KMPL की फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है जो कि काफ़ी देखा ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं आपको इसमें होंडा सिटी में। तो आपको 5th जनरेशन होंडा सिटी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।